बैक टू योर चैनल। टाइटल से पता लग गया होगा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग अ प्रॉब्लम। एक्चुअली फ्रॉम मतलब मॉर्निंग से आई रिसीव अ लॉट ऑफ कमेंट्स। आप कमेंट्स चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेजेस, कॉल्स का आना, व्हाट्सएप पे जो पर्सनली स्टूडेंट्स टच में हैं, मेल्स में, मतलब इतना एक कह सकते हो मैसेजेस का फ्लड आ रहा था कि एक प्रॉब्लम सब जो सेम फेस कर रहे थे, जो लाइक मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी ऐसा ही था। जैसे मैंने टेलीग्राम में तो अपना इस नेम से, मेरा टेलीग्राम है इस नेम में, तो अपना अपडेट डाल दिया था मैंने। और वो प्रॉब्लम था कि प्रैक्टिस मॉक जो यूज़ कर रहा है, प्रैक्टिस मॉक जो यूज़र है, शायद प्रैक्टिस मॉक वालों ने क्या किया, इंटरफेस चेंज किया है। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे, आप जो यूज़ करते हो तो आपको पता होगा, ऐसा कुछ इंटरफेस कर दिया। ये सेम मुझे जब मैंने ओपन किया इसको तो लॉगिन मुझे दोबारा से करना पड़ा। सब ये सारा सेम ना सेम मुझे लगा, ऑलिव वर्ड जैसा इंटरफेस लग रहा है मुझे सेम। और यही सबसे बड़ी बात हुई, इंटरफेस चेंज होने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत एक दो टेस्ट में तो होता है ना कि हमें प्रैक्टिस मॉक वो पहले वाले की आदत थी, अब ऐसे हमें मॉक थोड़ा सा देखने को मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा है। वो तो देखो ह्यूमन के लिए चेंजेस एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हो जाएगा, एक दो बार टेस्ट देंगे तभी। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे वो यहाँ पर, ये मैं बाद में दिखाऊंगी। ये देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था आपको शो करने के लिए। ये वही है, मतलब स्क्रीनशॉट क्या, ये मैंने सेंड किया प्रैक्टिस मॉक वालों को। जो भी है, जो इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो तो आज रात तक मिल जाए। अब प्रॉब्लम क्या थी, लाइक हियर यू कैन सी दैट, ये मैंने आरआरबी, देखो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर 2020 प्रीलिम्स का फर्स्ट टेस्ट दिया था, जिसमें फर्स्ट टेस्ट में क्या थे, 80 क्वेश्चंस थे, टाइम टेकन ये था, एक्यूरेसी मेरी 12% है, मार्क्स मेरे ये शो कर रहे थे, अनअटेम्प्टेड रॉन्ग और राइट, आप देख सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, ये टोटली मुझे लाइक ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद मैं भी रॉन्ग और राइट क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हूँ, पर मेरे स्कोर इतना नहीं बनेगा, और अनअटेम्प्टेड मेरे 23 नहीं थे जबकि 7 होना था, तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट थे वो इसमें थे 63। ओके, 17 मेरे अनअटेम्प्ट थे। तो मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या इंटरफेस है, तो मैंने प्रैक्टिस मॉक वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। एंड देन ठीक है, अभी जस्ट रिप्लाई आया है उनका कि बाय द इवनिंग, आज इवनिंग तक ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आपको भी पता है, नई चीज लेकर आते हैं तो टेक्निकल कभी कभार इश्यूज आ जाते हैं। बाकी ये इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो बिल्कुल बिल्कुल सही में ये अपना दिखा रहे थे, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर प्रीलिम्स मॉक 1 था ये, जिसमें मैंने ये दिया। इसमें देखो मेरा स्कोर 62.75 है, एक्यूरेसी 98 ये है, और 63.1 मतलब 63 मैंने किए थे, करेक्ट हुए थे, और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, 64 आई अटेम्प्टेड, ये टोटल यहाँ पर है। ठीक है, 64, हाँ 64 अटेम्प्ट किए थे मैंने, एक मेरा गलत है, जैसे करेक्ट रॉन्ग ये दिखा रहा है ये सब। और जब हम सॉल्यूशन एनालिसिस में आते हैं, अब सही दिखा रहा है, ये वाला पहले पैटर्न नहीं था, सही था, लेकिन यहाँ पर भी एक मिस्टेक मुझे लगी। वो ये कि देखो इसमें यहां तक सही है, लेकिन यहां पर आप टाइम टेकिंग देखिएगा, क्वांट को मैंने 31 मिनट और मैंने 24 अटेम्प्ट, रीजनिंग को मैंने 12 मिनट्स दिए और 38 आई स्कोर। तो ये मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, देखो मैंने जो मुझे रिमेम्बर है, मैंने मेरे को जहां तक ध्यान है, मैंने 27 मिनट दिए थे रीजनिंग को, 27 मिनट्स मैंने रीजनिंग को दिए थे, और उसके बाद में यही ही कोई 17 मिनट्स और 50 सेकेंड्स कुछ रहे हुए थे जब मेरे सामने फर्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन ओपन हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैंने 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग के अटेम्प्ट किए थे, तो मैंने ये तो आइडिया, तो मैंने लगा कि चलो इंटरफेस सही हो गया है, तो मुझे लगा हाँ सब सही हो गया। लेकिन फिर मैंने जब सारा देखा, क्योंकि रिव्यू देना जरूरी है, तो उसके लिए मुझे खुद को सारी चीजें अच्छे से एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये टाइम अलग दिखा रहा है, जबकि मैंने पूरे 45 मिनट्स लिए थे, और यहाँ पर मैंने जो मैथ्स में लिए थे वो 17 मिनट्स और कुछ सेकेंड लिए थे, और रीजनिंग में मैंने 27 मिनट्स कुछ लिए थे। तो उसके हिसाब से बस ये टाइमिंग का यहाँ पर इशू आ रहा है, बाकी सब सही है, कहीं गलती नहीं है। जैसे देखो इसमें आपका 1 रॉन्ग है, एवरेज स्टूडेंट्स के वो इतने रॉन्ग है, मेरी एक्यूरेसी इतनी है, ओवरऑल इतने मार्क्स बने थे, करेक्ट इतने थे, है ना, और ये 99 परसेंटाइल है जो आप देख रहे होंगे, मार्क्स इतने आ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने क्या है, ये नया इंटरफेस एक ला दिया, जैसे अब आप यहाँ पर अपना स्कोर भी, जैसे कितनी परसेंटाइल पे कितना स्कोर आ रहा है, अगर आप ये देख सकते हो, सबसे लो अगर इसमें बैठ रहा है तो वो आपका यही 2.69 बैठ रहा है, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते देखो 100 मार्क्स, 80 है, 100 परसेंटाइल वाले आ ही जाते हैं इसमें। तो मैंने देखा, बाकी सब सही लगा मेरे को, बस इसमें ये टाइम टेकिंग वाला थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, बाकी एकदम से सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी मिस्टेक जो थी इसमें,
लाइक मैंने पहले अटेम्प्ट कर रखी थी इनमें से कुछ से टेस्ट, जैसे मैंने 17 टेस्ट है, इस टेस्ट का मैंने अगर आपको पता हो लाइव मॉक, लाइव मैंने सॉल्यूशन दिया था, लेकिन ये फिर से मॉक दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे पास मॉक बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ द मॉक्स इंक्रीज हो गए हैं, ये तो टोटली कोई बात नहीं, हम दोबारा से कर लेंगे, प्रैक्टिस तो हो ही रही है ना। और तीसरा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये आ रहा था कि कुछ एक बच्चों ने, जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था, मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि मैम हमने लिया था सब्सक्रिप्शन थोड़े दिन पहले और वो अभी नहीं मिल रहा है, हमें परचेज दोबारा दिखा रहे हैं। वो इशू सबसे बड़ा लगा मुझे, जो ठीक है क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग वगैरह इट्स ओके, बट हमने इन्वेस्ट किया है कहीं पर और वो अगर हमारे मतलब 600-700 रुपये लगे, तो वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हाईलाइट करना था प्रॉब्लम को। तो मैंने उनसे स्पेशली बात की, मैंशन किया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो प्रैक्टिस मॉक वालों ने, ये अच्छी बात हुई कि उन्होंने उसी टाइम इंटरेक्ट किया, मुझे कॉन्टैक्ट किया और बात की, पूरी अच्छे से बात उन्होंने सुनी है। इवन आई शेयर स्क्रीनशॉट विद देम कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सब सही है और आज शाम तक आपको प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। और जो भी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया था लेकिन नहीं मिल रहा है, ये ज़्यादा दिक्कत उनको आ रही है जिन्होंने अभी थोड़े टाइम में लिया था, तो शायद बैक टू बैक बैक एंड उनका ये काम चल रहा होगा, तो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रीवियस वालों को जिन्होंने काफी टाइम से ले रखा है उनको दिक्कत नहीं आ रही है ये, सो इट्स ओके, टोटली ओके विद इट। इसको इतना बर्डन माइंड पर मत लो, ठीक है कि ये हो गया वो हो गया, आप जो अदर अभी प्लेटफॉर्म्स हैं 1-2 दिन प्रैक्टिस मॉक को दो, सॉर्ट आउट सब हो जाएगा, उसके बाद में आप अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से मॉक लगाना स्टार्ट करो। इसको इतनी प्रॉब्लम बड़ी या माइंड या अपने हेड में मत लो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करे आपकी प्रैक्टिस में, आपके प्रिपरेशन में, ठीक है, इतनी बड़ी हर्डल मत बनाओ इसको। बस मेरा इस वीडियो से आपको समझाने का यही था कि प्लीज हेडेक इतना मतलब 1 या 2 दिन प्रैक्टिस मॉक को आप क्या कर सकते हो कि ठीक है हम 1 या 2 दिन इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और इससे चेक कर लेते हैं कि कब सही होगा, और जब सही हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी बाय माय टेलीग्राम और जो भी है, जब सब सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो आज इवनिंग तक हो जाएगा। और आप अदर प्लेटफॉर्म से जैसे SK है, आप वहां से आप टेस्ट कर सकते हो, गाइडली है, तो वहां से आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, वो ज्यादा जरूरी है। ओके, बाकी थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय।